सलाद बना रहे हैं बीफ के साथ। सबसे पहले मैंने मिक्स सलाद लिया, इसमें रॉकेट्स हैं और बेबी स्पिनच है, दो तीन किस्म की। इसको मैंने अच्छे से धो लिया। उसके अलावा बीफ है तकरीबन 200 ग्राम, ये रिब आई है, और मोजरेला चीज़ें दो किस्म की, एक सॉफ्ट वाली एक हार्ड वाली, ये दोनों यूज़ होंगी। और एक टमाटर है, अगर आपके पास चेरी टमाटर हो तो आप चेरी टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ये था, मैंने ये यूज़ किया। और इसकी ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले मस्टर्ड है, डीजोन मस्टर्ड, ये 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ये यूज़ होगा। ऑलिव ऑयल है और चिली सॉस है, रोज चिली सॉस और सिरका, और जो है ना इसके अलावा हमारे पास लहसुन है, ये तकरीबन 8 से 10 जवे। सबसे पहले आप लहसुन ले 8 से 10 जवे, इसको आप ग्राइंडर में डाल दें 1 टेबल स्पून भर के, डीजन मस्टर्ड भी डाल दें और तकरीबन हाफ अ कप जो आप विनीगर का डालेंगे। और इसको हम ब्लेंड कर ये कुछ ऐसे हो गई है। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ये ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ, ये तकरीबन आप हाफ हाफ कप ये भी डालेंगे। और डालने के बाद हम इसको अच्छे से फिर ब्लेंड करेंगे और ये थिक हो जाएगी। जी ये आप देख सकते हैं, अभी ये थिक हो गई है। आपको जितनी थिक चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और ऑयल डालूंगा और थोड़ी चिली सॉस डालूंगा। जी ये मैं थोड़ा इसमें चिली सॉस डाल रहा हूँ, इससे जो है ना वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा ऑयल और डालेंगे, अब इतना काफ़ी होगा। ओके अब ये देख सकते हैं, ये आपकी आपकी ये ड्रेसिंग तैयार हो गई है। या फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 वीक के लिए, इसको कुछ नहीं होगा। ये अब हम सलाद के ऊपर यूज़ करेंगे। जी अब मीट को हम मेरीनेट कर रहे हैं। इस जो लहसुन को हमने इसके ऊपर ग्रेट कर लिया है और सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा। और इसके अलावा हम चिली सॉस यूज़ करेंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून आपने ऑलिव ऑयल का यूज़ करना। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम जी मीट हमारा मिक्स हो गया। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे और फिर हमको डीप फ्राई ऑयल में फ्राई करना है 15 से 20 मिनट के बाद। कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया, अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रखना है, फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। जी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का डाला है और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का। जी मीट हमारा मैरिनेट हो, ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और हमने इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और एकदम नहीं डालना, एकदम डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा गोश्त। तो ऐसे हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो ये बहुत जल्दी, आपने इसको मीडियम आइज में मीडियम लो पे इसको फ्राई करना है। मीट हमारा जो बहुत ठंडा है तो इसमें बस जल्दी डाल जाना है, हम सारा फ्राई कर लें फिर आपके लिए। जी ये हमारा मीट अभी तैयार हो गया। सलाद में हम और डालेंगे,
और टमाटर बड़े बड़े, ये मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ड्रेसिंग डालनी है। और मीट डाल देना है, और ये जो दूसरी होस्ट थी वो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट कर देनी है। ये हमारी सलाद जो है, बीफ सलाद रेडी हो गई।